बड़े सरल ढंग से समझो, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब यह है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो यूज हो और फिर यूज हो, फिर यूज हो, फिर यूज हो, फिर यूज हो। नाम है ये, लेकिन तुम बताओ, हम तो ऐसे देश के रहने वाले जिसमें हम कपड़ा खरीद के लाते हैं और पैंट बनवा लेते हैं, बनवा लेते हैं पैंट और फिर पैंट पहनते हैं, फिर वो पीछे से घिस जाती है, फट जाती है, तो उस पर हम डिफरेंट टाइप के उस पर स्टिकर्स लगा करके पहनते हैं फैशन में, फिर वो फट जाती है तो माता राम उसके दो झोले सिल देती हैं, सिल देती हैं झोले, और जो कतरन बचती है झोले सिलने के बाद, उस कतरन से एक तकिए के खोल में डाल करके एक तकिया बना देती हैं। कभी सुना है कि नहीं सुना है? अब आजकल तुम लोग शायद नहीं सुनते हो, गांव के होगे तो ही जानते होगे। फिर वो झोला भी फट जाता है कुछ दिनों तक, घिसता घिसता फट जाता है, तो झोले को फिर काट करके उसको फिर पावदान बना देते हैं, वो फिर थोड़ा सा खराब हो जाता है तो बोले इसको पोछे में डालो, अब तो उसी से पोछा घर का, फ्लोर मॉपिंग करते हैं उसी से, और जब फ्लोर मॉपिंग से वो चीथड़े चीथड़े रेशे हो जाता है तो हम कहते हैं, तो पैंट बोलता है अब तो बख्श दो, पूरा तो निचोड़ चुके हमको। तो ये हमारे देश की कहानी है, लेकिन इसी बात को कहा जा रहा है रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कॉलिशन। आप ऐसे समझो, एक कंपनी ने प्लास्टिक के दाने बनाए, दूसरी कंपनी ने बोतल बना दी, तीसरी कंपनी ने, अब ये बोतल हमने इस्तेमाल की, बोतल टूट गई, हमने यूं फेंक दी ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हमने फेंक दी बॉटल, अब ये बॉटल हमारे लिए कचरा हो गई है, लेकिन यदि इसको हम फिर से कुछ प्लास्टिक का बना दें तो इसका इस्तेमाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हमारा मोबाइल है, खराब हो जाता है तो हमें इससे बड़ा प्यार होता है, क्योंकि इसमें बहुतों के अच्छे अच्छे वाले मैसेज आए थे, आई लव इट, ठीक है ना, इमोशनल एफिनिटी रहती है इस पर, नहीं बहुत लोग हंस रहे बहुत ज़्यादा, तो आदमी सोचते हैं नहीं नहीं इस मोबाइल से तो मैंने पहली बार बात की थी, इसको तो नहीं फेंकेंगे हम, काइंड ऑफ, अरे हंसो मत, हम जो तुम्हें बता रहे हैं ऐसा ही होता है, लेकिन ये मोबाइल आपके घर में पड़ा, कचरे की तरह से पड़ा हुआ, इसका कोई यूज है क्या? और इसके बजाय एक दूसरा मोबाइल बन रहा है जिसकी वजह से कार्बन एमिशन भी होगा, रिसोर्सेज भी होंगे, इस्तेमाल होगा और पता नहीं कितना लग जाएगा, लेकिन इसमें कितनी इंपॉर्टेंट चीजें पड़ी हुई हैं, इसमें कुछ चिप्स पड़ी हुई हैं, कुछ गोल्ड पड़ा हुआ है, कुछ सिल्वर पड़ा हुआ है, कुछ कॉस्टली मेटल्स पड़े हुए हैं, सब पड़ा हुआ है इसमें, यदि ये निकल जाए तो कुछ तो खर्चा कम होगा। तो जब G20 की बात हुई तो इसमें यह कहा गया कि हम सर्कुलर इकोनॉमी पे काम करें, क्या क्या करें, मेक पैंट बनाया, यूटिलाइज पैंट पहना, रीयूटिलाइज झोला बनाया, रीमेक झोले का पोछा बनाया, रिफर्बिश पोछे के सब निकाल करके फिर उसको हमने कहा चलो इससे फिर कुछ जा करके कुछ सिलाई बुनाई और हो जाएगी, और अब तो बताएं और बताते हैं उससे क्या बनता है, जब वो भी फट जाता है तो चीथड़े निकल आते हैं और चीथड़े लेकर के माएं बैठ जाती हैं और उससे बैठने कुशन बना देती हैं, वो आपने देखा हो कपड़े का कुशन बना रहता है बुना हुआ मोटा सा, उस पर कोई सामान रखने की चीज बना देती हूं, बहुत बढ़िया बढ़िया कलरफुल 25 कलर के कपड़े, 25 कलर का बन गया। तो ये जो सर्कुलर इकोनॉमी, यही बात तुम याद रखोगे तो सिर्फ नाम तुम्हें आरईसीआईसी याद रखना है,
आर ई सी ई आई सी याद रखो, बाकी तुम्हें कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा। और ये याद रखना है कि इसका लॉन्च किया गया है, ठीक है, G20 के लिए, और हम कह रहे हैं कि आगे भी चल करके करेंगे। अब इससे क्या फायदे होंगे तुम बताओ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा कि नहीं होगा, बेनिफिट टू लोकल इकोनॉमी होगा कि नहीं होगा, कचरे से ऊर्जा बना दी हमने, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, रिसोर्स इंडिपेंडेंस होगा, और इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या कर दिया, ई वेस्ट मैनेजमेंट किया है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट किया है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट भी है। कंस्ट्रक्शन हुआ, कोई मकान गिराया गया, उसके बाद उस मकान के कचरे को हम वहां डाले जो लैंडफिल कर दे, वहां पर एक जमीन हमारी अच्छी थी तैयार हो गई, हो गई कि नहीं हो गई, और उसमें से हमने लकड़ी निकाल ली, हमने उसमें से आयरन निकाल लिया, हम उसमें से सरिया निकाल लेते, निकालते कि नहीं निकालते, बिकता है अब। तो इसी चीज को प्रमोट करना, और यह हर फील्ड में होगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे प्लास्टिक में हो, और चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो। तो इंडस्ट्रीज जब एक दूसरे से जुड़ेंगी, एक कहेगी हम कचरा खरीदेंगे, एक कहेगी हम कचरे के प्रोसेसिंग करेंगे, एक कहेगी कचरे के प्रोसेसिंग करने के बाद हम यूजेबल मटेरियल बनाएंगे, और एक कहेगी अच्छा यूजेबल मटेरियल बन रहा तो हम आपका खरीद करके, हम नया नहीं खरीदते, हम इसी से काम चलाएंगे। आप बताइए कितना सस्ता हो जाएगा हमारे लिए। और ये तब सस्ता होगा जब इसका वॉल्यूम बड़ा होगा। कब सस्ता होगा? जब इसका वॉल्यूम बड़ा होगा कि कचरा घर घर से निकल करके एक कॉमन एग्रीगेटर के पास पहुंचे। वर्ड याद करिए, कॉमन एग्रीगेटर, जहां पर पहुंचेगा तो वो कोई कहेगा ना कितना आपके पास है, बोले हमारे पास 1,00,000 क्विंटल पड़ा हुआ है ये, और इसमें से कितना सोना निकलेगा, बोले इसमें से 50 किलो 100 किलो सोना निकलेगा। तब तो वो इकोनॉमिकली वायबल होगा उसमें सोना निकालना, और नहीं तो आपने कहा ये फोन ले जाओ इसमें सोना निकाल के दे दो हमको, कितना सोना निकलेगा, बोले यही कोई निकलेगा 0.2 मिलीग्राम, तो दे दो हमको 0.2 मिलीग्राम, बोले इसके 25,000 दे दो तो आपको अगर रख लो, होगा कि नहीं होगा। तो इकोनॉमिकली वायबल होने के लिए मॉडल बनाना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट आया है। तो हम कितने दिनों से यूज कर रहे हैं, हमने कहा हमारा पैंट बनना है यार, ये पेपर में निकलता है बच्चा सोचता बहुत अच्छा, क्या बढ़िया निकला यार, एकदम एक नाम आ गया सर्कुलर इकोनॉमी, एक नाम आ गया आर ई सी ई आई सी, ठीक है ना। लेकिन है तो हमारा वही पैंट, और उसी पैंट का बनना झोले से लेके पोछे तक का सफर, ये हमारा आर ई सी ई आई सी, ये समझ गए, ऐसे ही लिखा जाता है। धन्यवाद, आप भी ऐश करो, हम भी ऐश करें।